और जैद जीआरपी पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने अलग अलग अपराधों को अंजाम दिया है और पुलिस को काफी दिनों से इन बदमाशों की तलाश थी। उस दौरान जीआरपी पुलिस को सूचना मिली और अलग अलग जगह से इन दोनों बदमाशों को घेराबंदी करके जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनको रेलवे स्टेशन के थाने पर लाकर मामला दर्ज कर इनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं इनके पास से कीमती मोबाइल चोरी के जब्त किए गए हैं। ये उज्जैन जीआरपी पुलिस को किस प्रकार से सफलता मिली है और किस प्रकार से इन आरोपियों को अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है? एक हमारा जनवरी माह में एक चोरी हुई थी शिप्रा एक्सप्रेस में, उसमें एक मोबाइल जो लगभग 40 से 45 हजार रुपये का मोबाइल था जो अज्ञात आरोपी द्वारा चोरी कर लिया गया था, इसकी रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उसके बाद उसमें जो पता रसी जो हमारे टेक्निकल एविडेंस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, श्यामलाल नाम है जो नानाखेड़ा क्षेत्र का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार कर इसके बाद से जो प्रकरण का मशहूर का है लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये का उससे बरामद किया गया। इसी प्रकार 9 तारीख के दिन मालगोदाम के पास में चार्जिंग पॉइंट से एक मोबाइल चोरी गया था और जिसमें तत्काल तत्परता बरतते हुए हमने उसको सीसीटीवी रिपोर्ट दर्ज की गई थी चोरी की, जिसमें लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये का मशहूर था और उसकी रिपोर्ट दर्ज करने के बाद हमने सीसीटीवी फुटेज खंगाली जिसमें हमको कुछ जानकारी प्राप्त हुई, जिस आधार पर हमने आरोपी को पकड़ा जिसका नाम संदीप उर्फ टका है जो कुरवाली थाना क्षेत्र का रहने वाला है। दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज न्यायालय पेश किया जाएगा। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।